हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सीएससी एकेडमी लर्निंग ऐप, जिसमें आज हम लोग ब्रेजनम्स एल्गोरिदम पे नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे, मींस थर्ड वाला प्रॉब्लम पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम गिवन है, रायस्ट्रा इज अ लाइन फ्रॉम 0,0 टू -8, -4 यूजिंग ब्रेजनम्स एल्गोरिदम। देखिए एल्गोरिदम मेंशन रहेगा, लाइन के लिए दो एल्गोरिदम है, डीडी और ब्रेजनम्स, दोनों में से कोई एक एल्गोरिदम मेंशन रहेगा। और अगर मेंशन नहीं रहेगा तो आपकी मर्जी, आप डीडीए से सॉल्व करें या ब्रेजनम से सॉल्व करें। ठीक, तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पहले पेंसिल से आप लोग लिख लेंगे x1 y1 और सेकेंड वाला है x2 और y2। सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1, इनिशियलाइज वेरिएबल्स x इज इक्वल टू x1 के प्लेस पे वैल्यू लिखेंगे 0, y इज इक्वल टू y1 के प्लेस पे वैल्यू लिखेंगे 0, देन डेल्टा x कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट x2 माइनस x1 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू पुट करेंगे x2 के प्लेस पे -8 माइनस x1 के प्लेस पे 0। जब वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे तो आंसर आएगा -8, एब्सोल्यूट फंक्शन इसको प्लस कर देगा तो आंसर क्या आएगा 8। नेक्स्ट डेल्टा वाई कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट y2 माइनस y1 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट y2 के प्लेस पे -4 पुट करेंगे, माइनस y1 के प्लेस पे 0 पुट करेंगे और जब ये आप इवेलुएट करोगे तो क्या आएगा -4, एब्सोल्यूट फंक्शन इसको प्लस कर देगा तो आंसर आएगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट साइन फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, s1 इज इक्वल टू साइन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू साइन x2 और x1 की वैल्यू लिख देंगे -8 -0, आंसर है नेगेटिव तो साइन आएगा -1। s2 साइन y2 माइनस y1 साइन y2 के प्लेस पे वैल्यू -4 माइनस y1 के प्लेस पे 0, अगेन नेगेटिव आया तो साइन हो जाएगा -1। टोटल 6 वैल्यू हम लोगों को वेरिएबल कैलकुलेट करने हैं। स्टेप नंबर 2, इंटरचेंज डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई आपने कैलकुलेट किए, अब यहां पे चेक करिए ग्रेटर वैल्यू डेल्टा एक्स में है कि नहीं। तो ग्रेटर वैल्यू ऑलरेडी डेल्टा एक्स में है तो इस सिचुएशन पे हम लोगों को इंटरचेंज नहीं करना है, तो एज इट इज वैल्यू लिख देंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 8, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 4, इंटरचेंज इज इक्वल टू 0, इंटरचेंज इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम लोग एरर टर्म कैलकुलेट करेंगे, e इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स, 2 इंटू डेल्टा वाई के प्लेस पे 4 माइनस डेल्टा एक्स के प्लेस पे 8 पुट करेंगे, जब आप इसको आप इवेलुएट करोगे तो ई मिलेगा 0, ई इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, मेन लूप आई प्लॉट x, y एरर टर्म E, x को इंक्रीमेंट करेंगे -1 से, y को इंक्रीमेंट करना है -1 से। इस एल्गोरिदम के पहले हमारे पास वैल्यू है e इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, i वैल्यू 1 to 8, 1 टू डेल्टा x, 1 से लेके 8 तक के इस लूप को प्लॉट करना है, एग्जीक्यूट करना है। क्लियर? आई वैल्यू 1 प्लॉट x, y, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला देखेंगे, इंटरचेंज 0 है इसलिए हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है और अब यहां से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो देखिए यहां पे कंडीशन चेक करेंगे, e ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
e की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, कंडीशन ट्रू है, y वैल्यू एग्जीक्यूट करेंगे, अपडेट करेंगे और e अपडेट करेंगे, तो y वैल्यू 0 - 1 - 1 हो जाएगा, x एज इट इज रहेगा। e वैल्यू कैलकुलेट करना है 0 - 2 × Δx, Δx की वैल्यू है 8, 2 × 8 कितना हो जाएगा 16, तो आंसर आएगा यहां पे -16। क्लियर? फिर से कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन देखिए चेक करेंगे तो कंडीशन हो गया फॉल्स, e वैल्यू है -16, कंडीशन फॉल्स हो गया। x वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, x वैल्यू 0 - 1 - 1, y वैल्यू एज इट इज, e वैल्यू कैलकुलेट करेंगे -16 + 8, 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, तो -8 आएगा, -8। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट आए, नेक्स्ट आए, जब भी नेक्स्ट आए आएगा नेक्स्ट वाले लाइन में लिखेंगे और प्लॉट करना है x और y की वैल्यू, x माइनस वन, y क्या आएगा -1। अगेन कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन फॉल्स है, x वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, x -1 - 1 - 2, y वैल्यू एज इट इज, e वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, -8 + 8 हो जाएगा 0। नेक्स्ट i के लिए हम लोगों को प्लॉट करना है, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1, अगेन कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे और कंडीशन आया ट्रू। अब जब ट्रू आया तो y वैल्यू इंक्रीमेंट होगा -1 - 1 - 2, x एज इट इज, e वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 0 - 2 × 8 - 16। अगेन कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन फॉल्स है और जब कंडीशन फॉल्स है तो x वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे -2 - 1 - 3, y एज इट इज, e वैल्यू अपडेट करेंगे -16 + 8 कितना आएगा -8। नेक्स्ट i की वैल्यू 4 के लिए प्लॉट करेंगे, x और y की वैल्यू -3 - 2, अगेन कंडीशन देखेंगे, कंडीशन e का फॉल्स है तो कौन सी वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, x वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, -3 - 1 - 4 हो जाएगा, y एज इट इज, e वैल्यू अपडेट करेंगे -8 + 8 = 0। और नेक्स्ट i के लिए प्लॉट करेंगे 5, प्लॉट होगा -4, -2, कंडीशन चेक करेंगे 0, कंडीशन ट्रू है और जब कंडीशन ट्रू रहेगा तो y वैल्यू अपडेट करेंगे -2 - 1 - 3 हो जाएगा, x एज इट इज रहेगा, e वैल्यू अपडेट करेंगे 0 - 2 × 8 - 16 - 16, और कंडीशन चेक करेंगे, जब कंडीशन चेक करेंगे तो फॉल्स आएगा और फॉल्स में हम लोगों को x वैल्यू इंक्रीमेंट करना है -1 - 4 - 5, y वैल्यू एज इट इज, e वैल्यू कैलकुलेट करेंगे -16 + 8 क्या आएगा -8। नेक्स्ट i के लिए प्लॉट करेंगे, प्लॉट x y -5, -3, अगेन कंडीशन फॉल्स है और जब कंडीशन फॉल्स है तो x वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे -6 हो जाएगा, एज इट इज अपडेट करेंगे e वैल्यू -8 + 8 = 0। नेक्स्ट i के लिए प्लॉट करेंगे -6, -3, कंडीशन चेक करेंगे ट्रू आया और जब ट्रू आएगा तो y वैल्यू अपडेट करेंगे -3 - 1 - 4, x एज इट इज, e वैल्यू अपडेट करेंगे 0 - 2 × 8 - 16 - 16, अगेन कंडीशन चेक करेंगे तो कंडीशन क्या आया फॉल्स हो गया, x वैल्यू इंक्रीमेंट होगा क्या आएगा यहां पे -7, y एज इट इज, ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहां पे माइनस एक्स वैल्यू इंक्रीमेंट की -16 + 8 - 8। नेक्स्ट आई के लिए प्लॉट करेंगे 8, प्लॉट होगा -7, -4, अगेन कंडीशन फॉल्स है, एक्स वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, वाई एज इट इज लिखेंगे और ई अपडेट करेंगे -8 + 8 = 0। नेक्स्ट आई 9, और 9 के लिए कंडीशन यहां पे फॉल्स हो गया क्योंकि 1, 2, 8 ही हम लोगों को प्लॉट करना था। यहीं पे स्टॉप करेंगे, अब वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे इनिशियल वैल्यू 0, 0 और इनिशियल पॉइंट 0, 0 और लास्ट वाला पॉइंट -8, 4 और ई वैल्यू स्टार्टिंग और एंडिंग पे सेम होना चाहिए, तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए ग्राफ हम यहां पे बना देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का।
जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और एक माइनस नाइन, वाई वैल्यू फोर। माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर और माइनस फाइव। फर्स्ट वाला पॉइंट आया जीरो कॉमा जीरो, देखो ये जीरो कॉमा जीरो, तो हम लोग क्या करेंगे ये वाला पिक्सल प्लॉट कर देंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट आया माइनस वन कॉमा माइनस वन, एक्स वैल्यू माइनस वन और वाई भी माइनस वन, राइट अप वाला पिक्सल ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइनस टू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन ये वाला मिलेगा। नेक्स्ट माइनस थ्री माइनस टू, माइनस थ्री और माइनस टू इसको प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट माइनस फोर माइनस टू, माइनस फोर माइनस टू। नेक्स्ट माइनस फाइव माइनस थ्री, माइनस फाइव माइनस थ्री। नेक्स्ट माइनस सिक्स माइनस फाइव और नेक्स्ट वाला है माइनस सेवन कॉमा माइनस फोर, माइनस सेवन कॉमा माइनस फोर। क्लियर, माइनस सेवन कॉमा माइनस फोर। तो इस तरीके से हम लोगों को प्लॉट करना है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा 8.4 और एंडिंग पॉइंट है हमारा 0.0। लास्ट में इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। देखिए ये ड्रॉबैक है, ये यहाँ पे एक शिफ्ट हो गया आगे, ये एल्गोरिदम करेक्ट है। क्लियर, वो कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं पिक्सल में, वो हम लोग अलाइजिंग और एंटी अलाइजिंग टॉपिक में देखेंगे। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्लियर, हाँ एक बात और याद रखेंगे, तीन पॉइंट याद रखना है। देखो जैसे डीडीए में थ्री टाइप्स के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, वैसे यहाँ पे भी थ्री टाइप्स के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम टू एंड पॉइंट्स गिवन है, एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, तो आप डायरेक्ट इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकेंड अगर इस तरीके से आए x डिवाइडेड बाई टू वाई डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू वन, तो आप क्या करोगे, जो टेक्निक मैंने डीडीए में बताया था वैसे आप पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, पुट x इज इक्वल टू जीरो, x के प्लेस पे जीरो पुट करके y फाइंड आउट कर लेंगे, तो y कितना आएगा, जीरो एक्स रहेगा तो y कितना हो जाएगा थ्री, और y के प्लेस पे जीरो पुट करेंगे तो x मिल जाएगा टू, तो टू कॉमा जीरो, ये दो पॉइंट मिल गए। अब ये दोनों पॉइंट को कंसिडर करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और थर्ड टाइप का प्रॉब्लम अगर इस तरीके से आ जाए y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, तब भी आप क्या करोगे, पहले टू एंड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे, x के प्लेस पे जीरो पुट करके y वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, y के प्लेस पे जीरो पुट करके x वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो इसी तरीके से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तीनों तरीके से प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। क्लियर, सबको समझ में आया, थैंक यू सो मच।